वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबर इस सुनेहे नूं ध्यान नाल सुनियो भी और शेयर भी करियो। सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है कि राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल, बाबा दीप सिंह जी हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल, गुरु बाबा नानक जी की रसोई, गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, बाबा दीप सिंह जी फ्री टिफिन सेवा, विधवा बीबिया फ्री राशन देने की सेवा, बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी, इस तो इलावा जी दया परवान पार्क की उसारी, गुरद्वारा साहब की उसारी, सरां की उसारी, ये सारे कार्य चल रहे हैं। तो पिता जी ने सेवावां दे विच होर वाधा किया। बटाला रोड अड्डा गोपालपुरा श्री अमृतसर साहब विखे बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट नूं तीसरा यूनिट बख्शिया। उत्थे स्कूल, हस्पताल और गुरु बाबा नानक जी की रसोई बननी। ये ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो। ये 20 अप्रैल नूं ये नवीं जगह की रजिस्टरी है। 25,000 गज जगह है। 2500 रुपया एक गज की सेवा है। मैं सारे परिवारक मैंबरां दे चरणों च बेनती करांगा प्यारे, ये भूमि दान दे विच वध तों वध अपना योगदान देना। किसी बच्चे का जन्मदिन है, कोई तुहाडी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई भी कारज है, उस संबंध दे विच असीं किन्ने किन्ने पैसे ला देने हैं। पर यह मेरी बेनती है, घर विच विआह शादी आ जाए करोड़ां रुपये ला देने हैं, पर यह कोई भी खुशी का कारज है ना, उस संबंध दे विच भूमि दान दे विच वध तों वध अपना सहयोग जरूर दिओ। एक गज की सेवा, 5 गज की सेवा, 10 गज की सेवा, जिनी गुरु पिता जी ने तुहानू वित दित्ती होई है, जरूर आपो अपनी सेवा। टीवी स्क्रीन दे उत्ते अकाउंट डिटेल चल रही ने, इन अकाउंटां दे विच सेवा पा के आप जी सानू मैसेज जरूर कर देना कि इन्नी सेवा असी जमा करवाई है, तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक पहुँच सके। आप जी अपनी सेवा सानू पेटीएम, गूगल पे, फोनपे भी कर सकते हो। 98150-99513 9815089513 नंबर पर मेरी बेनती, मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दे दिओ, क्योंकि 20 अप्रैल नूं समय सिर रजिस्ट्री हो जाए। मैं 113 यूनिट कहना, 113 तो भी डबल ट्रिपल कम हो जाएगा जदों तुसी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। आओ रल मिल के चलण दा वक्त है। सारी संगत दे चरणां विच, सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां विच बेनती है, बाकी दे खर्चियां नूं संकोच के, बाकी दे कम्मां नूं संकोच के 20 अप्रैल नूं जो ये नवीं जगह की रजिस्ट्री हो सके, तां जो सेवावां इस तरह निरंतरताई नाल जारी रह सकन। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करियो तां जो होर संगत तक ये मैसेज पहुँचे और संगत वध तों वध इस कार्य दे विच भूमि दान दे विच सहयोग कर सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी, नितनेम भी करते हैं, बाणी भी पढ़ते हैं, सिमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, कीर्तन सुनते भी हाँ, संगत विच भी जाने, सारे चंगे काम करते हैं, पर मन फिर भी सहज च नहीं आता, मन फिर भी अशांत है, मन फिर भी कल्पता रहिंदा है। तो भाई गुरदास जी ने एक गल कही, कहिंदे जे चाहुंदे हो ना मन शांत होवे, सहज विच आ जाए, दवाई तो खा रहे हो, सिमरन करते हो दवाई खा रहे, बाणी पढ़ते दवाई खा रहे, अमृत वेले उड़ते दवाई खा रहे हो, सेवा कर रहे दवाई खा रहे हो, पर भाई साहब जी कहिंदे हो दवाई भी खाओ पर नाल नाल थोड़े परहेज भी करो। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, जे चाहुंदे हो ना मन शांत हो जाए, मन सहज अवस्था च आ जाए, थोड़े परहेज भी करो। भाई साहब जी केड़े परहेज करा दसो तो सही। ते भाई गुरदास जी ने इस पौड़ी दे विच परहेज दसे ने। पहला परहेज आपां राती सांझा कीता सी कि नितनेम भी करदे आ, बाणी भी पढ़दे, सिमरन भी, पर अहंकार दे विच फिरदे आ, मैं कीता, मैं इन्हां नूं जोड़ना, मैं आ कम करना, मैं ओह कम करना। भाई साहब जी कहिंदे पहला परहेज कर लै, अपने अंदर निम्रता लिया, हाउ तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। मैं ये कम कर सकता, ये कहना कोई गलत नहीं हुंदा, कया करो डट डट के, जे कर सकते हो ना कम कवो डट के, कोई गल नहीं, मैं कर सकता जी ये कम, तुसीं मेरी ड्यूटी लो मैं कर लांगा, ये कोई ईगो नहीं हुंदी। हाँ, मैं ही ये कम कर सकता, ये ईगो है। मालक चाहे जिदे मर्जी सिर ते हथ रख के सेवा ले सकता है जी,
आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। ये ईगो है कि मैं ही ये कम कर सकता, दूजा तो कर ही नहीं सकता। मैं कर सकता, सैल्फ कॉन्फिडेंस है। ये कहना कोई गलत नहीं होंगे जी। जे विच कह दे गुरु जी की कृपा नाल मैं कम कर सकता, यह भी चंगी गल। तो जे मान लो इन्ना नहीं भी किया गया ना, अंदरों ही कहता ना दाते आ तेरे बल नाल मैं बोलिया, हूँ आपे ही सामभ ले, बापू नूं भी गल का पता लग जाता। आखो वाहिगुरु जी सच्चाई है, सच्चाई। पिता जी तेरे बल नाल मैं बोलिया, आपे ही सामभ लेना, फिर वो सामभ लेंदा, सामभ लेंदा। इन्ने बजे कम हो जाना है, कहता नाल ही अंदरों अंदरों कह दिया कि खंडे वाले तेरे भरोसे बोलता ही यार, हूँ सामभ ली आपे, वो सामभ लेंदा। फिर यह पहला परेच मालक पिता जी ने दसिया, भाई गुरदास जी ने कहिंदे नितनेम कर, बंदगी कर, कीर्तन कर, कीर्तन सुन, सेवा कर, सिमरन कर, सारा कुछ कर, पर सब कुछ करदे आ अंदरली गरीबी का पैरा भी वधा। हुण अगले परेच किहड़े ने, पिता जी सेवा लैण आओ, लड़ी जोड़न वास्ते जो राती पढ़िया सी पढ़ लो सारे, गज के कृपा करियो। गुरमत दिदे गरीबी आवे, हाँ तिस कोल कुमाया, हाँ तिस कोल कुमाया, हाँ तिस कोल कुमाया, हाँ तिस कोल कुमाया। जी कर लगी होनी, काफी समय दे बैठे हो,
समाप्ती जदों होएगी लंगर जदों छकन बैठोगे ना अद्धा अद्धा प्रशादा वध छक लियो भावे पर हुण जोर लाओ एक एक जो पंजा पंजा दी आवाज आवे गज के भाई साहब जी अज दे कीर्तन दे विच दूजा परहेज दसन लगे जे पहला परहेज राती दसिया उन्होंने अपनिया वारां दे विच हौं तिस घोल घुमाया गुरमत रिदै गरीबी आवे अंदर तेरे निम्रता होवे कोई चंगा कम हो गया वडियाई नाल नाल इधर दे जा ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया पए कबीर कबीर सब तेरी वडियाई दा दया सब तेरी जी अज मैं गुरु घर दे विच 5 लख भी दिता है ना तेरिया दितियां दातां चों दिता है
मैनू जे मंगता बनाया हुंदा मैं कित्थों दे देना सी। सब तेरा है, सब तेरा, बस आ चीज नहीं भुलनी। हर वेले निम्रता का गहना पा के रखना है। अज हुण दूजा परहेज दसन लगे, भाई साहब जी मैं नितनेम करदा, अमृत वेले भी उठदा, बाणी भी पढ़दा, सिमरन भी करदा, सेवा भी करदा, पर मेरा मन शांत हुंदा ही नहीं, कलपदा ही रहिंदा है, सहज अवस्था च आउंदा ही नहीं। ते भाई गुरदास जी कहिंदे दूजा परहेज कर लै, दवाई खा रहे हैं रोज, चंगी गल है, खाने ही है, रूटीन नाल खाने ही है, नितनेम करना रूटीन नाल, सेवा करनी रूटीन नाल, दवाई खाई जा, पर दूजा परहेज कर लै नाल। भाई साहब जी केड़ा परहेज करा? कहिंदे हों तिस कोल घुमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे। आखो वाहिगुरु जी, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, आपन स्त्री सो रत होई, रैतमंद सिख है सोई, रैतमंद सिख है सोई। जिदे नाल चार लावां लईआं ना, जिहड़ा तेरा जीवन साथी है, भावें वह मर्द है भावें वह औरत है, गल दोनों की हो रही है, पत्नी लई भी हो रही, पति लई भी हो रही है, औरत लई भी हो रही है, मर्द लई भी हो रही है। जिदे नाल तू चार लावां लईआं ने ना, बस ओदे प्रति ईमानदार रहो। वाहिगुरु जी, किसी भी कारण करके किसी भी समय दे उते अपने करैक्टर नूं डिगण ना दे, किसी भी समय दे विच करैक्टर ना डिगण दे। मैं कई बारी हैरान होना, मैं सिर्फ टूक मात्र इशारे जे देने ने, मैं प्यारियां मिठियां गल्लां इतिहासक गल्लां तुहाडे वल सुट्टी जाना, बस उहनां नूं झोड़ी च पवाई जाया करो। ओदे नाल पता की होएगा, जदों ओ गल्लां नूं तुसी झोड़ी च पवाओगे, तुसी चलोगे ना, तुहाडी पॉजिटिविटी करके मैं गरीब ते भी असर पएगा, मेरे करके तुहाडे ते नहीं पैणा, तुहाडे करके मेरे ते पैणा, क्योंकि तुसी वड्डे हो। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो ना जी, धन बाबा दीप सिंह जी। मुगलां ने होर सारियां ने एक स्कीम बना ली, हरी सिंह नलूआ इन्हां नूं ना करैक्टर तों डेगणा है, क्योंकि ये बड़े वधिया किरदार दा बंदा है, ते जे किते इन्हां नूं करैक्टर तों डेग दिता ते सिख कौम ये भी हिल जाएगी। महाराजा रणजीत सिंह है ना, ओदे राज दा दिल है दिल हरी सिंह नलूआ। जे दिल ही कमजोर हो गया फिर शरीर ने ते एटोमैटिक ढेरियां ढाई देनियां ने। उन्होंने स्कीम बनाई, एक बानो नाम की औरत, बहुत जवान, बहुत खूबसूरत, जवानी एहो जी ओदी कि जेड़ा भी ओदे वल वेखे ओ बस वेखदा ही रह जांदा सी। एहो जी औरत उन्हों भेजिया हरी सिंह नलूए दे कोल कि बई तू जा हरी सिंह नलूए नू किरदार तो डेग दे। वो गई, पहरे बड़े सी, पर वो कहिंदी मैं हरी सिंह नलूए नू मिलना है। मैं सिर्फ एक डिटेल नहीं दे रहा, टूक मात्र इशारा, पंछी चाथ सुनियो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी। हुण ओ बानो नाम दी जिहड़ी औरत है ना, हरी सिंह नलूआ जी नूं मिलण वास्ते आई, जदों आई 5-7 मिंट बैठी, जवानी दा जोश बड़ा है, सुंदर बहुत है, वड्डे वड्डे भी ओदे वल वेखण डोल जाण। ते हुण जदों आई ना, ते हरी सिंह नलूए नूं पता की आखिया कि मैं चाहुंनी आ मेरी कुख दे विच्चों तेरे वर्गा शेर पुत जन्म लवे, मैं चाहुंनी आ, मेरे मन च यह गल है। तो हरी सिंह नलूआ जी ने पता की किया, कोई नहीं, परमेश्वर दे अगे गुरु पिता अगे अरदास करदे आ, मालक इदां ही करेगा। वो कहिंदी नहीं नहीं, तू मेरा इशारा नहीं समझ पाया, मैं चाहुंनी आ तू मेरे नाल निकाह कर, ते मेरी कुख दे विच्चों तेरे वर्गा ही इदां शेर बहादुर जन्म लवे। हरी सिंह नलूआ उस वेले अखां दे विच वीर रस आ गया, ये किवें हो सकता, ये की कही जानी है, ये नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा नाल, मेरे गुरु ने मैनू जदों अमृत की दात दिती है ना, नाल रैतां भी समझाइया ने, कुरैतां भी समझाइया ने, ये बजर कुरैत पराया संघ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। मैं ये चीज तेरी मनन नूं तैयार नहीं,
जदों उन्हें बहुत जोर लाया ना हरी सिंह नलुआ जी मने ना ते नाल एनी गल कहती जे तू मेरे नाल निकाह करेंगी कोई ये पक्की गरंटी थोड़ी कि मेरे वर्गा पुत्र तेरी कुख चों पैदा होएगा नलायक भी हो सकता है उन्हें हुण टालना सी ना जदों कई इदां दीआं गल्लां करके टालिया वह निराश होकर चली ना ते जाण लगे कि ताना मारता मैणा मारता कहण लगी मैं ते सुनिया सी गुरु दे दर तों ते गुरु दे सिखां दे दर तों कदी भी कोई खाली नहीं मुड़दा ते अज मैं एक सिख दे बूए तों खाली मुड़ रही मेरी मनसा पूरी नहीं होई ते उस वेले हरी सिंह नलुआ जी ने ना उस बनो बेगम नूं बुलाया जदों बुलाया ना पता की कहिंदे कहिंदे एक चादर लिया सिख नूं इशारा कीता चादर लिया उन्हें चादर लियांदी ये अपने अंदर सोचण लग पी कि यह मेरे नाल निकाह करन लई शायद हुण तैयार हो गया मेरे उपर चादर पाएगा मेरे नाल निकाह करेगा हुण जदों चादर मंगवाई ना चादर बानू बेगम दे सिर दे उत्ते पाती ते की आखिया हरी सिंह नलुआ जी ने ओ बानो की कहनी है मेरे वर्गा पुत्र चाहिए तेनू कहिंदी हाँ तेरे वर्गा पुत्र चाहिए मैनू मैं तेरे वर्गे पुत्र की मां बनना है उस वेले हरी सिंह नलुआ जी पता की कहिंदे कहिंदे फिर इहदे लई निकाह करन दी की लोड़ है अज तो तू मेरी धर्म दी मां ते मैं तेरा धर्म दा पुत्र बन गया वा सत श्री अकाल आसी किरदार आसी करैक्टर सिखां दे है जी करैक्टर तो डोलदे नहीं सी ये मेरी बेनती है आ परहेज भी भाई गुरदास जी दस रहे कोई अमनदीप सिंह नहीं अपने कोलों कह रहा भाई गुरदास जी कहिंदे नितनेम करदा बाणी पढ़दा दवाई रोज खा रहे परहेज करना शुरू कर मन शांत हो जाएगा सहज अवस्था च आ जाएगा जी केड़ा परहेज कहिंदे हों तिस कोल घुमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे बरबर दी नूं वेखिया तेरी निगाह बन जे ये मेरी भैण है इहो चीज भैणों तुहाडे लई भी लागू हुंदी है बरबर दे नूं वेख्या ए मेरा वीर है वड्डे नूं वेख्या ए मेरा पिता है जां मेरा वड्डा भरा है छोटे नूं वेख्या ए मेरा पुत्तर है जां मेरा छोटा वीर है तुसीं वड्डी नूं वेख लिया अपनी मां जां अपनी वड्डी भैण छोटी नूं वेख्या अपनी धी जां अपनी छोटी भैण समझिया महाराज कहिंदे हाँ आ तूं परहेज करना शुरू करता है ना आ जिहड़ा दवाई तूं खाना है ना रोज़ अमृत वेले उठ के इहदे नाल परहेज शुरू करते ही ना तेरे अंदर बख्शिशां वरतनियां शुरू हो जाणगियां आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी अगला परहेज भी भाई साहब जी दस दिओ अगला परहेज भी दसो कृपा करके तुहाडी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी कुंजी दा दर्जा मिलिया है जिहड़ा तुहाडी बाणी नूं पढ़ेगा गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे जिन्ने भी खजानियां दे जिंदरे ने ना खोल पाएगा कृपा करके अगला परहेज दसो ते भाई गुरदास जी ने अगला परहेज दसिया कहिंदे हों तिस कोल घुमाया पर दरबे नो हाथ ना लावे पराया धन है आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी पराया धन इहदे तो बच के रह पर दरबे नो हाथ ना लावे रिश्वत दा धन पराया धन ये तेरे घर च ना आवे तेरी बुद्धि भी भ्रिष्टी जाएगी तेरे बच्चियां दी भी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाएगी पराए धन नूं हथ ना ला पर दरबे नूं हथ ना लावे माफी देना एक पासे असी कहने असी वैजीटेरियन बनना वैजीटेरियन ही है गल नूं दूजे पासे ना खड़े एक पासे असी कई बारी डंके दी चोट नाल कहने असी वैजीटेरियन पर दूजियां दा लहू पीण लगे एक सकिंट नहीं लाउंदे आपां है जी 5,000 की बेईमानी गरीब की कर ली लहू तो तू पी गया तू कहदा वैजीटेरियन है कहदा वैजीटेरियन दस है जी हेरा फेरी करन लगे तू सकिंट ना लाया इतों तक कि अपनिया धियां भैणां भी धोखा दे दिता उन्हां नूं भी लुट के खा गया उन्हां दी माया भी खड़प कर ली उन्हां दे खिस्से नूं भी अपने वल तू कर लिया कहदा तू वैजीटेरियन है जी मेरी बेनती है बेनती मैं अपने कोलों कोई गल नहीं कर रहा भाई गुरदास जी कहिंदे कहिंदे हों तिस कोल घुमाया पर दरबे नो हाथ ना लावे आ तीन तो चार जिहड़ा असीं रोज जुड़दे हां बस आही चीज़ां दा मैं ढंडोरा देना वह नेक इंसान बन जाओ जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ते असीं बाद चों चंगे बंदे ते बणीए
कृपाना तू वड्डियां वड्डियां पाईयां, गुरु घर च तीन तीन बजे जाना है पर पराया धन खाण लगे एक सैकेंड नहीं लाउंदा। बाबा कहेगा विखावे करना विखावे, दुनिया नू बुद्धू बना सकदा पर मैं बुद्धू नहीं बनन लगा। रुमाल पा के मंदरां विच रोज जाना, टल रोज वजाउना है पर धीआं भैणां दा वी धन खाण लगे तू पिछे नहीं हुंदा। भगवान भी कहणगे ना आ तेरा मंदर विच आया कोई थाए नहीं पै रहा। दुनिया नू बुद्धू बना सकदा पर मैनू नहीं बना सकदा। मेरी बेनती है पराए हक तो अपने मन नू रोक लो, जिन्ना रोक सकदे कंट्रोल करो कंट्रोल करो, पर दरबे नू हाथ ना लावे। हां जी धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ना जी धन बाबा, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार न खाए। तां मालक ने गवाही देनी हो तेरी हामी भरनी हो जदों आ चीज दा परहेज करेगा। आ चीज दा पराए धन तो जिन्ना बच सकते हो ना बच के रहो जी। मैं बस संखेप रूप च इशारे जी अज दे रहा, मेरा यतन है कि इसे समागम दे विच ए लड़ी संपूर्ण हो जाए। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अगला परहेज भाई गुरदास जी ने दसिया ओदी अज बड़ी लोड़ जे बहुत लोड़। ओ पता केड़ा परहेज है, एक बारी पढ़ लो परहेज। आओ दवाई आपां रोज खाने, सुखमनी साहब का पाठ तकरीबन असीं रोज सारे करदे, दवाई खा रहे हैं पर परहेज भी तो करो ना। परहेज करोगे दवाई जल्दी असर करेगी, परहेज नहीं करोगे दवाइयां दा असर एड्डी जल्दी नहीं होने लगा। अगला परहेज भाई गुरदास जी दस दे, पढ़ो प्यार ना। हां तिस को लिकुमाया, हां तिस को लिकुमाया, इशनान करे कितना औखा है सुनियो। जे ओ अठ सठ तीर्थ नामे, जे ओ द्वा दस सिला पुजावे, भावे ओ शिवलिंगा दी पूजा करी जावे देवतियां नू मन्नी जावे सुनियो। जे ओ कूप तटा देवा में खूदे जां नदियां दे तट दे उत्ते दान पुन करना पहले समयां दे विच बड़ा चंगा समझिया जांदा सी, भावें कोई इहो जिहे चंगे कर्म करी जावे पर अखीर ते तोड़ा पता कित्थे भन्निया। भावें ठाठ तीर्थां ते इशनान कर लै, मंदरां च चलिया जा, दान पुन कर लै, देवी देवतियां दी पूजा कर लै, पर पता अखीर ते तोड़ा कित्थे भन्निया। कहिंदे जे तूं परहेज नहीं ना कीता, निंदिया नहीं छड्डी, ते इह सब कुछ कीता तेरा व्यर्थ व्यर्थ गया, सब कुछ गया। कि मैं कह रहे जे ओ अठ सठ तीर्थ नावे, जे ओ द्वादस सिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद करे निंद, निंदा करता है, करे निंद सब बिरथा जावे। मालक पिता जी कह रहे साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो
नरक ही परे पर निंदा सुने आप हटावे जे ओ ग्रहण करे कुल खेत जे कोई कुरुक्षेत्र दे विच जा के ग्रहण दा इशनान करदा है। पहले समय दीआं गल्लां इह चीज़ां नूं हुण कोई महानता नहीं पर सतगुरां ने एक दृष्टांत दे के समझाया जे ओ ग्रहण करे कुल खेत अरपै नार सिंगार समेत गहणिया समेत अपनी स्त्री भी दान कर देवे। पहले समयां च इह चीज़ां नूं महानता दित्ती जांदी सी। सगली सिमरत सरवणी सुने सारिया सिमरतियां नूं भी ध्यान नाल कोई सुने इना जप तप पर अगे मोर करे निंद कवने नहीं गुने केंदे जे निंदिया करदा ना ये चीजा कीतियां किसी भी थाए नहीं पैनिया ये सारे गुण तेरे व्यर्थ चले जाने ने। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। पर निंदा सुन आप हटावे पर निंदा सुन आप हटावे औखद सपे कीतियां ने केंदे सारियां दवाइयां सारे इलाज ने पर निंदक का दारू ना है निंदा करन वाले दा कोई दारू है ही नहीं। महाराज कह रहे अवखद सपे कीतियां निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जो नी पाहे जी पर निंदा सण आप हटा जी। धन बाबा अज तो यह पक्का प्रण कर लो असी ना निंदिया करनी ते ना ही सुननी कोई साढ़े कोल करन भी लगे ना हुंगारा भी नहीं भरना। अच्छा उन्हें इदा किया असी कई बार इदा कर देने अगले नूं होर बल मिलता है। अच्छा है कहांगे भी बड़े स्टाइल नाल कि अगले नूं पूरा आ जोश मिल जाए। अच्छा वह इदा करता है इन्नी गल तुसी कही उन्हों होर जोश चढ़िया उन्हें दस गल्लां होर सुनातियां निंदिया ना करनी ना सुननी ना ही हुंगारा भरना। आखो वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। कई बार कोई निकी जी गल साडे कोल आके ना जान के शुरू कर दे जिवें तीली लाउण वाली गल उहदे विच ते आ कमी असीं दस अगों बोलनियां शुरू कर हां मैनू पता है उह तां इदां दा ही है। ओ प्यारे आ वो जे संगत करना ना निंदिया ना कर ना सुन ना हुंगारा पर क्यों क्योंकि जेड़ा तू ढाई घंटे अमृत वेले उठ के कमाई कीती निंदिया करन दे नाल सारी कमाई तेरी डुल जानी है सारी कमाई। आ दो घंटे कीर्तन सुने तीन घंटे कीर्तन सुने सुखमनी साहब का पाठ किया इन्ना समा बैठे हाँ हुणे बाहर जाके पंद्रह मिनट ला लो किसी की निंदिया चुगली तो जो कुछ किया खाली हो जाएगा सब खाली। हुण किसी ने बड़े मेहनत कर करके मान लो 50 लाख कमाए बड़ी मेहनत लगी कई साल लग गए 50 लाख जोड़ने वो घर चोर आके 50 लाख लै जाए दसो वे की बीतती है दसो खाली रह गया ना वो हाथ मारदा रोंदा है असी किन्नी किन्नी कमाई करन तों बाद सारी कीती कमाई निंदिया करके डोह लैने खाली दे खाली हो जाने फिर ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ
ओ प्यारे हो गुरु नानक साढ़े अंदर ते कई झूठ दियां दुकानां खुलियां पईयां ने। स्टेजां ते बह के गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां हुंदियां, बड़ियां सौखियां, मैं जो मर्जी बोल दे बड़ियां सौखियां ने गल्लां करनियां, पर गुरु नानक ते गुरु नानक ना गल ते ओ करे जिहड़ा पूरा होवे। हाँ मैं कल राती भी यह बेनती की सी, जे किसी की कमी पता लग गई है ना, निंदिया का विशा ना बनाओ, उन्हें प्यार से समझाओ, कोल चले जाओ, दे पुत्र ये काम इदा नहीं बेटा, इदा करिया कर, इदा करेगा तेरा भला होएगा, इदा नहीं करेगा अगे जाके तू ठोकर खाएगा, समझा दियो। समझाउणा साडा फर्ज है, जे ना समझे फिर एक पाड़ जपजी साहब वधा दिओ, एक चौपाई साहब वधा दिओ, पिता जी इहनूं आपे सुमत दे दिओ, आखो वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी, अपनी कमाई ना डोलो, ये मेरी बेनती, अपनी कमाई ना डोलो जी। बाबा नंद सिंह साहब बैठे सी आके ना, भाई डरोली जी ने एक गल कही, बाबा जी पता लग्या फलाना बंदा तुहाडी निंदिया बड़ी करदा है, हुण सानू कोई कवे, मैनू कवे, मैं अपनी गल करदा, मैं नेलना जीरो आ, मैनू कोई कहेगा मैनू गुस्सा लग, अच्छा उहने इदां कीता, पर वेखो कमाई वाले सानू कित्थे जोड़दे ने। बाबा जी पता लग्गा फलाना बंदा तुहाडी निंदिया करदा है, ते बाबा नंद सिंह जी ने उस वेले भाई डरोली जी नू पता की किया, कहिंदे डरोली इन्नियां संगतां जुड़ियां, इन्ना सचखंड का माहौल बनया, तू आ के एडे वे सचखंड के माहौल च ओरी भी हाजरी लवा दिती है जी। वह कहना नहीं बाबा ही बड़ी निंदिया कर दिया, तो महापुरखों के मुखों सहजे बचन पता की निकले आ, सहजे ही वेखो सानू सिखाइया ने चीजा, केंद्र डरोली जिदी तू गल करदा ना तेरी मुक्ति बाद चे ते ओदी मुक्ति पहले, वेखो अंदर वह चीज आनी नहीं दिती, अगों हुंगारा ही नहीं भरिया कि मैं अच्छा कहां इन्नी गल, अच्छा निंदिया कर दे दस गल होर सुनावे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले महापुरख, उन्हां कोल आके किसी ने कहता महापुरखो फलाने बंदे ना चार पांच जाने ने इलाके विच तुहाडे बारे बड़ा ही बोलते ने, बड़ी निंदिया करते, ते बाबा दया सिंह सुर सिंह वाले महापुरख पता की कहिंदे, केंद्र घर वड्डा हो जाए ना सफाइया करने वाले रखने पैंदे है, ये चिंता करने की लोड़ नहीं होंगी, गल ही नहीं अगों सुनी, गल ही नहीं सुनी, बस आ चीज रखिया करो, जदों तुहाडे अगे कोई आके गल करन लगे ना किनारा कर लो, गल नू चेंज कर दिओ, वो अपने पुन ते साड़ दे, तुहाडे पुन भी खत्म करन वास्ते आ गया, समझ लिया करो, कलयुग आ गया। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अगला परहेज दसदे ने भाई गुरदास जी, कोई भाई अमनदीप सिंह नहीं दस रहे, भाई गुरदास जी दस दे, कहिंदे पाठ करदा बाणी पढ़दा सिमरन करदा कीर्तन करदा सुनदा दवाई ते खा रहे हैं, परहेज भी कर लहौ तिस घोल घुमाया पर निंदा सुन आप हटावे। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते निंदा बंदा करदा पता क्यों है, मैं बिल्कुल निके निके इशारे जे दे रहे हैं, समझी जाओ अज, निंदिया बंदा करदा पता क्यों है, कई बारी दूजे दा अगे वधना बर्दाश्त नहीं हुंदा जी, ये छोटी उम्र च गां क्यों वध गया, ये अगे क्यों निकल गया, ओ प्यारे आ निंदिया दा विशा ना बना, जेडे गुण ओदे कोल ने गुण कट्ठे कर, वह गुण कट्ठे कर, जेडी चीज करके अगे वध रहा ना वह गुण तू भी अख्तियार कर ले, ये वड्डा कारण हुंदा निंदिया करन दा की, कि किसे दी चढ़दी कला बर्दाश्त नहीं हुंदी, ते दूजी गल प्यारे ओ निंदिया बंदा पता क्यों करदा, जदों उन्हूं ए अपने अंदर विश्वास हुंदा कि मेरे कोल ताकत इन्नी आ गई है, ये दो धड़िया नूं मैं लड़ा सकदा है जी, ये दो धड़िया विच मैं फुट पवा सकदा, उधर दी गल उधर करनगे, उधर दी गल उधर करनगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये मेरी बेनती है, ये चीजां तों सुचेत होवो, सुचेत ते सुचेत एक ढंग नाल हो सकते हैं, पता कि जदों असी अपनी मौत नूं याद रखांगे, डरना नहीं मौत तो, पर इनू याद रखना, याद एक दिन मैं तुर जाना, तुर जाना, मैं राती कही सी ये गल कि असी सवेरे जदों उठे हैं ना शुकराना करिया करो, अज सवेरे मैनू पिता जी ने नवा जन्म दिता है,
ते सारे दिन विच मैं की करना है, ये प्लानिंग कर लिया करो। ये बड़ी महत्वपूर्ण गल है, बड़ी महत्वपूर्ण। मौत नूं चेते रखो, डरो ना पर चेते रखो। एक है बाहरली दुनिया, एक है अंदरली दुनिया। वो जदों मौत नूं चेते रखांगे ना, अंदरली दुनिया दा नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। अमृत वेले उठना भी औखा नहीं लगना, बाणी पढ़नी भी औखी नहीं लगनी, सिमरन करना भी औखा नहीं लगना। हुण निंदिया ते भैड़ी लगन लग पेगी, चुगली ईरखा आ चीज़ां अंदरों निकलनियां शुरू हो जाणगियां। मैं ते इक दिन चले जाणा, इहनूं नैगेटिविटी वाले पासे नहीं खड़ना, पॉजिटिव रहना। पर मौत नूं याद रखो जरूर, जदों याद रखांगे ना सच्चाई है, फिर ते कदी भी घर दे विच कलेश करांगे ही नहीं। तुरी जाणा है, कलेश करके करना भी की है। फिर ते जे भरा वल थोड़ा बहुता हिस्सा वध भी जान लगेगा ना, कोई परवाह नहीं। मालक जी तुसी मेरे वल रहना, तुसी मैनू बरकत पा देना। बंदियां दे पाउन नाल कुछ नहीं बरकतां पैंदियां, तुसी मेरे वल रहना। कोई नहीं, भरा नूं थोड़ा हिस्सा वध भी चले जांदा, चलिया जावे, कोई गल नहीं। हां जी, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। मैनू पता नहीं ये मैं क्यों गल्लां कर रहा, कई गल्लां मैं सोच के नहीं बैठा हुंदा, पर मैनू इन्ना जरूर पता है जे बापू जी मेरे मूँह घवा रहे ने ना, पता नहीं कि अंदरलियां तारां अज छिड़ रहियां ने। कहें जी, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कि अंदर अज पिता जी वो मैसेज भेजना चाह रहे ने, ये तो मालक जाने। मालक, मालक मेरी बेनती है, मौत नू याद रखो, याद। फिर निंदिया करनी चंगी लगनी नहीं, लगनी नहीं चंगी। ते अगे भाई गुरदास जी की कहते, पढ़े जी जरा अगला परेज की कह रहे। हाँ तिस कोल घुमाया सतगुरु दा उपदेश कमावे। आ परेज कर ना, आ परेज कर। सतगुरु दा उपदेश कहिंदा है, पराए तन तो, पराए धन तो, पराई निंदिया तो बच के रह। पर तन पर धन परती निंदा, पर अपवाद ना छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, ए प्रसंग न टूटे। पराए तन तो, पराए धन तो, पराई निंदिया तो जिन्ना बच के रह सकदा ना रह। ते जे नहीं रहेगा ना, सतगुरु का उपदेश नहीं मनेगा, फिर मन सहज विच आना ही नहीं तेरा। सतगुरु का उपदेश कहिंदा है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्या। सतगुरु का उपदेश कह रहे हैं, सतगुरु का उपदेश कह रहे हैं। प्यारे आ, निंदा भली किसे की ना ही, मन मुख मुगत करन मूह काले, तिन्ना निंदका नरके घोर पवन। दरगाह विच ते मूह काला होना ही है, इत्थे भी काला ही हो जाता। लोग कहना शुरू कर, वह बड़ा चुगलखोर बंदा है, उहदे कोल ना बैठिया करो। आखो वाहिगुरु जी, इत्थे भी थू थू हुंदी, उत्थे भी। जिहड़ा सतगुरु का उपदेश नहीं कमाउंदा, सतगुरु का उपदेश पता की कहिंदा है, ओ प्यारे आ सास सास सिमरो गोबिंद। रोटी खाण लगा है ना, उहदा शुकराना कर। ओ चिड़िया, ये पंछी रोटी खाते ने ना, सिर झुकमदे ने नाल नाल, सिर झुकाई जाते, सिर झुकाई जाते खाण लगे हैं। और तू उपर मूँह कर करके डकार मारदा, हौमे च फिरदा है जी। वह खाना खाण लग्या भी उहदा शुकराना कर, पाउण लग्या भी उहदा शुकराना कर। आ जे गहने भी पाए आ ना, असी तो नहीं पाते, पर महाराज कहते जे प्रसाद आ भूखन पहरीजे, कोई नहीं आ छेद वाले नहीं पाने। पर जे किसी ने कोई मुंदरी पा ली, इहदा मतलब पाते हो गए ना। जे ये चीज की मनाई, मैं एक दिन ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी गुरमुखां की रसना तो सुनिया, कहते जे आ चीज़ा की मनाई फिर गुरु घर सोना क्यों चढ़ाते हो, है जी उत्थे क्यों ला रहे हो। जे रब ने दिता है, हाँ फिर मैं दोहरा रहा, एक कन्ना नू छेदन वाली चीज़ा, नक् नू छेदन वाली चीज़ा यह नहीं पाउणियां। हाँ जे किसी ने शौकी है कोई मुंदरी पा ली, हाथ दे विच कोई कड़ा पा लिया, सर्वलोदा तो पाउणा ही है। उस तों अलावा मान लो सोने चांदी का कोई पा ही लिया, पर महाराज कहिंदे जे प्रसाद आ भूखन पहरीजे, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे। अपने अंदर यह चीज बना लै, पता की आ जिनी मैं चीज महंगी पाई है ना, मान लो ये चीज मेरी 50,000 की है, मैं 5 पाठ रोज जपजी साहब के करने ने शुकराने दे, है जी ये चीज नाल रखो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। जो मालक ने दिता है, जे पहन रही है पहनन लग्या भी उहदा शुकराना कर, खाण लग्या भी उहदा शुकराना कर, शरीर ठीक है तां भी उहदा शुकराना कर, घर च वड़न लग्या भी शुकराना। सतगुर का उपदेश कमावे, सतगुर का उपदेश कमावे। अगे की कह रहे, आप परहेज करने नाल
पहला परहेज असी हंकार च रहना है, हंकार च रहना है, बोलो नहीं रहना ना, कादे च रहना है? हाँ निम्रता च रहना है। दूजा उपदेश असी दे पराया हक खाना है, खाना है, उची बोलो, नहीं नहीं सारे नहीं बोले, नहीं खाना पराया हक। तीजा उपदेश असी ते डट डट के निंदिया करनी, नहीं करनी ना, सुननी सुननी, तुसी सुननी, उची बोलो फिर सुननी। हुंगारा ते भरांगे, जे कोई निंदिया करेगा साडे कोल हुंगारा भरांगे, नहीं भरांगे। उस तों बाद अगला परहेज भाई गुरदास जी कहिंदे, प्यारिया अगला परहेज तू कर, सतगुरु दे उपदेश नू बिल्कुल ना कमा, अपनियां मनमर्जियां कर, कर कर नहीं नहीं एदा नहीं, अपनियां मनमर्जियां कर नहीं करनियां, सतगुर का उपदेश कमावे। अगे की कह रहे, हाथ इस खोल घुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, थोड़ा समय सौना भी लिमिट दे विच, ए नहीं कि सौना नहीं। बाबा नंद सिंह साहब दा बचन सौना क्यों है, जागण दे लई 6 घंटे दी नींद घट तो घट चाहीदी है, 6-7 घंटे सौ सकदे हो, सौ सकदे। ए महापुरखां दा बचन है, कहिंदे खाली दी नींद 6 तों 7 घंटे, आम बंदे दी नींद 5 घंटे, कमाई वाले महापुरख दी नींद 3 तों 4 घंटे। कहिंदे जेड़ा हाली अपनी लिमिट तों वध सौवे ओह भी आलसी, आम बंदा अपनी लिमिट तों वध सौवे ओह भी आलसी, ते जेड़ा महापुरख लिमिट तों वध सौवे ओह भी आलसी। है जी, थोड़ा समय ते थोड़ा सोएगा ओह ही जेड़ा थोड़ा खाएगा, जिहड़ा हर वेले खांदा ही रहेगा, चप्पर चप्पर जानवरों वांगू मूंह ही वजदे रहणगे प्यारे, उहनू ते सुस्ती उन्नी पैणी पैणी, सच्चाई है, हर वेले खांदे रहोगे शरीर सुस्त होएगा। लिमिट दा खाओ, खाना बंद नहीं करना पर लिमिट दा खाओ, हमेशा सात्विक भोजन खाओ, सादा भोजन, कोशिश करो फ्रूट वध तों वध खाओ, हरियां सब्जियां वध तों वध खाओ। आ जिन्नियां पीजे बर्गर आ जिहड़ियां दूजियां चीजां ना, जिन्ना घटा सकदे हो घटाओ, मैं नहीं कह रहा बंद कर दिओ एकदम, क्योंकि बंद तुसीं करना नहीं, मैं कह रहा जिन्ना घटा सकते हो उन्ना घटा लो। आखो वाहिगुरु जी, कदी कदी जायज है, हफ्ते च एक बारी, महीने च एक दो बारी ये जायज है कम, पर रोज ये चीजा खाई चलो फिर ये अंदर विकार पैदा कर दिया ने। जिन्ना लिमिट दे विच खा सकते हो खाओ, लिमिट दे विच सौ सकते हो सौवो, ते जे ये लिमिट तो बाहर चलांगे फिर मन सहज विच आना ही नहीं। आखो वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। साडा कीर्तन सी अंबाले, अज तो मैं 20-22 साल पुरानी गल सुनाउण लगा। उत्थे हर महीने असी जाने सां हर संगरांद ते, हुण ते माहौल चेंज ने, उदों शुरुआत सी 25 साल पुरानी शायद गल होएगी, ते हर महीने बाद जाने सां संगरांद ते, संगरांद उत्थे कीर्तन करन, हुण साल च एक वारी जाईदा, रुझेवे इन्ने वध गए ने कई वारी साल भी मिस करना पै जांदा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਘੱਟ ਸੌਣਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਦੇ ਆ 4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਜ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ 20-25 ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ,
मैं क्या ये समझ नहीं आई गल, पिछली बारी इन्हां ने प्रोमिस किया है कि अज चलो दो चार खाधे गल वक्री हो, भी पच्ची खा ले एक एक बीबी ने। मैं बड़ा सोची पै गया, मेरे को रहा ना गया, हूँ प्यार से सब ना। मैं कोल गया, मैं क्या माता जी पिछली बारी तो बड़ी उची उची पढ़िया, हाँ तो सघोल घुमाया, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे तो अज गोलगप्पे तो गोलगप्पा वजी जाता है, ये चक्कर की। अगों हूँ बीबी के लफज मैं गुरु पिता जी की हजूरी च कह रहा, मैं कोई गल हस के सुनावा जिदा मर्जी सुनावा, मकसद मेरा एको ही है, बस वो मकसद ना भुल्यो, अंदरला नाता इधर जोड़ना, बस आ चीज। हर वेले मत्थे ते तिउड़ियां भी ना पाई रखिया करो, सॉरी जिवें दुनिया का भार सिर ते आपां ही ले लिया। आ सिख का चेहरा हसदा हसदा होवे की है, दूजा वेखे उहदे भी दुख दूर होण, हसंदे आ खिलंदे आ पहनंदे आ खवंदे आ विच्चे होवे मुकत, हासा भी माड़ा नहीं जिस हासे विच उहदी याद है। मैं ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਂ ਤਾਂ ਸਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਅੱਜ ਗੋਲਗੱਪੇ ਤੇ ਗੋਲਗੱਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਂ ਤਾਂ ਸਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਪੱਕੀਆਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਚੱਲੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਹੇਜ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਢਿੱਲੀ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਾਵੇ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਟੇਕਿਆ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜੋ ਦਾਖਲਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਉਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, +1 ਔਰ +2, ਇਹ ਆਰਟਸ ਦੀ +1 +2 ਆਰਟਸ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 10-10, 20-20, 50-50 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ। ਆਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾਈ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, 15 ਤਰੀਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗੋਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਗੋਰੇਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਸ ਦੇ ਕੋੜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੀ ਛਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸੂਰਤ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ। ਵੇਖੋ, ਕਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਵਾ ਲੈਣਗੇ।
भरोसा करके चलीए। ये मेरी बेनती है, अमृत जिन्हां ने नहीं छकिया वो छको, और जिन्हां ने छकिया पांच पांच दस दस प्रेमियों को प्रेरणा करके ले आयो। तुहाडी दित्ती प्रेरणा दे नाल जे अगले का जीवन बदल गया प्यारे, सारी जिंदगी उन्हें जिनी भी बंदगी करनी, जिनी भी कमाई करनी, दसवंद तुहाडे खाते विच ऐटोमैटिक उन्हां दी कमाई दा, उन्हां दी बंदगी दा जमा हुंदा जाएगा। आओ समा है मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चलण दा, ये नशियां दे कोड़ नूं कढ़ण दा, अपने घर दे विचों आलस नूं कढ़ण दा, होर मंदियां चीज़ां नूं कढ़ण दा। मेरी बेनती 15 तरीक सारिआं ने 5 बजे तक पहुँच जाना, तां जो 6 बजे अमृत दा बाटा तैयार हो सके। रहण सबाई बारे मैं पहली बेनती कर ही दिती है, इस मैसेज नूं वध तों वध अगे तों अगे शेयर करियो, और यह सारा समागम PTC सिमरन ते भी और साढ़े YouTube चैनल भई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल पर लाइव भी दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।